तो यहाँ पे ये भैया आए हैं शीशा लगाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मैंने बाथरूम में शीशा नहीं लगवाया था। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और खाना वाना खा लिया हमने, और ये तो सो रहे हैं इस साइड और बच्चे टीवी देख रहे हैं, और मैं जा रही हूँ उधर, क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ पे DIY खुला है तो उधर होके आती हूँ, कुछ छोटा मोटा जो घर का सामान है वो लेके आती हूँ। और वहां से टिन्नी भी आ रही है तो हम दोनों के दोनों वही DIY पे मिलेंगे, तो चलते हैं। और आज हम मतलब अपने वहां का DIY दिखाती हूँ, अभी नया नया ही खुला है, उसको हफ्ते भर ही हुआ होगा, तो चलते हैं और लेके आते हैं सामान, देखते हैं कैसा और क्या सामान रखा है वहां पे। तो यहाँ पे ग्लास मग जो है काफी वैरायटी में है और काफी सुंदर भी लग रहे हैं। मग के डिजाइन, बॉटल्स, सारी बॉटलों के बॉटल अच्छी लग रही है पानी की, अब गर्मी आने ही वाली है। सामान तो सारा है यहाँ पे, टिफिन स्टील का नहीं है, कितने कितने के हैं ये 230 के, 230, 240, अलग अलग रेट के हैं सारे, सारे 410, 450 ऐसे करके। ये कुछ दाल वगैरह रखने के लिए डब्बे अच्छे लग रहे हैं, 109 का है एक डब्बा। यह है 7, ये रेट लिखा है यहाँ पे। ये 1036 का है। तो ये लाइट वाली है, ये किचन के लिए चाहिए थी मुझे, चार्जेबल लाइट। तो ये है पेट सेक्शन, और इन्होंने अच्छा बना रखा है यहाँ पे, सब चीज़ों के अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, आपको इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेप है सारी, है डबल साइड सब वाली। वॉशिंग मशीन के लिए ये लैंप है, और ये 270 के, और ये भी तुम लाइटिंग वगैरह करने का सेक्शन है। इनके रेट यहाँ यहाँ काफी अच्छे लग रहे हैं।
दीजिए आपके। तो पहुंच गई हूँ और दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ। तो यहाँ उस कमरे में बैठ गई और वहां पे वो सो रहे हैं और बच्चे ड्राइंग रूम में अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाई हूँ सामान। और धूप बहुत तेज हो रखी है, बहुत गर्मी हो रखी है। तो छोटा मोटा ही सामान लाई हूँ। तो ये छोटी मोटी चीजें लाई हूँ और वो बाथरूम के लिए लाई हूँ थोड़ा बहुत। और ये लाई हूँ बर्तन धोने के लिए। ये है जो लगाते हैं ना ड्रॉर वगैरह में, आपके घर में अगर छोटे बच्चे वगैरह हैं और बार बार ड्रॉर खोलते हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया है ये ड्रॉर लॉक है। चाहे अलमारी है चाहे ड्रॉर है, वो बच्चे खोल ना पाए उसके लिए है ये। तो ये है, देखो इसको चिपकाना आपने, ये दोनों तरफ चिपकाने का ही चिपक जाएगा ड्रॉर के साइड साइड में और ये खुल भी जाता है ऐसे करके, लॉक सिस्टम है ये ऐसे कर। तो यही चिपकाना आपको ऐसे करके ड्रॉर में और ये फिर इसके साथ लॉक हो जाएगा ऐसे। तो ये दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा और बच्चे इसको खोल नहीं पाएंगे आसानी से। और ये सारे रूम फ्रेशनर लाई हूँ, बाथरूम फ्रेशनर है सारे के सारे। ये है, पहले के पड़े थे तो वो ख़त्म हो गए थे तो इसलिए मेरे को दोबारा लाने पड़े। और ये है टेप, टेप वो वाली है जो कपड़ों पे लगाते हैं ना, जिससे कपड़े भी चिपक जाते हैं। अगर आपके कपड़े वगैरह फट गए ना, रफू की ज़रूरत है तो उसको नीचे से तुम इसको लगा सकते हो और फिर उसके ऊपर से आप आराम से सिलाई मार के रफू भी कर सकते हो। वैसे तो बिना रफू के ही चिपक जाएगा ये, पर अगर आपको अच्छे से मतलब लगाना है उसको, चिपकाना है, तो आप उसके ऊपर सिलाई भी मार सकते हो और ये कपड़े पे आसानी से चिपक जाएगी। और दो ये बैंड लाई हूँ, ये मैंने एक यूज़ कर लिया था इसलिए मैंने खोल दिया इसे। तो ये देखेंगे इसकी खुशबू कैसी है। ये लाई हूँ इंग्लिश रोज़ एसेंशियल ऑयल, तो इसको इसकी खुशबू देखेंगे कैसी है। और ये तो आपने देख ही ली होगी सारी, ये जेल में है, जेल वाला भी मैं यूज करती हूँ, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मेरा जरूरी सामान था, तो ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा, यहाँ से शोर काफी आ रहा था और उजाला भी काफी आ रहा था तो इसलिए बंद करना पड़ा। तो कैसा लगा ये सामान जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो आप भी जाइए DIY और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको।